एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लाल में एक बार फिर से। तो ये देखिए, ये स्विफ्ट डिज़ायर, तो इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, मतलब दचकेन में या कोई ऐसे जंप वगैरह जंप जैसे कूदाते ना अपन, तो इसमें आवाज़ आती है, तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, मतलब कि ये मान के चलिए ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे जोर से हथौड़े की मारी हो एक चोट, इस तरीके की आवाज़ आती है, इसमें काफ़ी ख़राब वॉइस पैदा होता है, तो उसके लिए हमने खोल रहे हैं। तो वीडियो इसीलिए बनाया था कि आप लोगों को भी इन चीज़ों का पता लग जाए कि भाई अगर एसी कोई आवाज़ आए तो अपन को क्या दिखवाना है, किसी के भी कहने में आकर आपको कुछ नहीं करवाना। तो पहली मिस्टेक तो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ, देखो पहली मिस्टेक तो ये देखो, इसकी स्प्रिंग है ना, ये देखिए इसकी कोयल पेड़ से तिरछी जा रही है, फर्स्ट मिस्टेक तो ये रही। ये भी काफ़ी दिक्कत वाली बात है, ये कोयल पेड़ से साइड में जा रही है स्प्रिंग, इसे भी थोड़ा सीधा करेंगे, इसे सही सेट करेंगे, ये भी आउट है। तो अभी और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, जो भी हम आपको पूरे पूरी डिटेल में बताएंगे भाई किन चीज़ों से वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो रुको, अभी और दूसरा व्हील खोल लेते हैं, उस साइड भी दिखा देता हूँ आपको, उधर की साइड भी, ताकि आप लोगों को पता लग जाए बस अगर एसी आवाज़ आपकी गाड़ी में है तो आपको क्या करवाना है, बस ये पता रहे। क्योंकि आप डायरेक्ट जाएंगे तो डायरेक्ट मैकेनिक के जाने में मैकेनिक का काम बहुत बेकार है, ये मान के चलिए, आपको इतना ज़्यादा लूट सकते हैं जो आप बिलीव भी नहीं करेंगे भाई इतना भी हो सकता है। तो चलो अभी देखते हैं आगे, उधर का भी खुल जान दो थोड़ा, फिर आपको उधर से व्यू देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ, देखो इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये गाड़ी जब चलती है, जब अपन कोई भी दचकों में चलते हैं तो पीछे से कुछ ज़्यादा ही जंप करती है, एक तो पीछे ज़्यादा जंप और एक आवाज़ आती है इसमें बहुत ज़्यादा। तो रीज़न क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें एक तो स्प्रिंग है ना हल्की सी तिरछी है, तो इसको थोड़ा लेवल पे लेना है, मतलब एक राउंड ये नीचे कूद चुकी है ये लेना है, और जो वॉइस है ना वॉइस इसकी, ये देखो ये बुश है ना इसकी, ये कट चुकी है, सिर्फ ये बुश कट चुकी है और कोई खर्चा नहीं है, कोई ख़ास खर्चा नहीं है इसके अंदर। तो जो भी होगा ना लास्ट में मैं आपको पूरा बता दूँगा टोटल, जो भी बैठेगा खर्चा वो पूरा टोटल मैं आपको बता दूँगा, और तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर भी अगर आपके साथ में अगर एसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पहले ये चेक करानी है दोस्तों, ये बुशे चेक करानी, क्योंकि कोई भी आप कहीं भी जाएंगे ना तो शोकर को दो तीन बार दबा के दिखाएगा और ख़त्म बता देगा कोई भी खोल कर, जबकि ऐसा होता नहीं है दोस्तों। मैं बता दूँ, देखो पुराना शोकर हो जाता है ना, जो थोड़ा प्रेशर यानी अपन दबा के छोड़ते हैं ना तो हल्का फुल्का देखो फ़र्क रहता है, नए में और पुराने में मामूली सा फ़र्क हो ही जाता है, तो कोई भी इनको दबा के देखेगा और बताएगा ख़त्म बताएगा, तो ऐसा नहीं होता जब तक ये देखो यहाँ से लीक या ऑयल वगैरह नहीं आए ना, जब तक ख़त्म नहीं होता। अगर ये गुटकेन में कोई दिक्कत आती है ना, जो शोकर में कोई भी दिक्कत आती है तो ये गुटके चेंज हो जाते हैं इसके रबड़ के बुश, और ये वापस अच्छा काम करने लग जाता है। तो ये स्प्रिंग को सीधा करना है और ये गुटका ये इसकी बुश डालनी है बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई आवाज़ है तो आपको पहले ये बुश चेक करानी है। तो फिलहाल मैं खोल लेता हूँ, और इसी बुश की वजह से ना लोग बाग काफ़ी मोटा पैसा पैदा कर लेते हैं आप लोगों से, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों से बचे रहें। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको खोलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, पूरा इसका हिस्सा बाहर निकाल लिया, ये देखिए ये पड़ा हुआ बिल्कुल, ये पूरा हिस्सा बाहर निकाल, अभी देखिए इसमें, ये देखिए ये भूसे है ना ये ख़त्म हो चुकी है इसकी दोनों, ये देखिए दोनों साइड की भूसे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये देखिए ये तो बिल्कुल ही, ये देखिए बिल्कुल ही टूट चुकी है, बिल्कुल निकल चुकी है, इसमें कोई सहारा ही नहीं बचा, ये देखिए निकाल लेता हूँ मैं, ये देखिए ये दोनों भूसे ख़त्म होने की वजह से इसमें क्या होता है, जैसे अपन दचकों में चलाते हैं ना गाड़ी को तो गाड़ी घट घट आवाज़ करती बहुत तेज़, अब इन छोटी सी भूसन के लिए क्या होएगा दोस्तों, इन छोटी सी भूसन को मैकेनिक वैसे तो ये क्या, जब तक गाड़ी पर लोड रहेगा जब तक ये चाल बताएंगे नहीं, जब तक जेक लगा कर व्हील को फ्री नहीं करेंगे जब तक ये चाल बताती नहीं है, तो जैसे कोई भी जो फ्रोड मैकेनिक होगा ना वो आपसे क्या बोलेगा, सर इसकी स्प्रिंग भी डलेगी, इसकी ये शोकर भी डलेंगे, ये सब डलेंगे, तो ये सब आपको खर्चा लगा सकता है, इसीलिए मैं वीडियो बनाकर बता रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों से ध्यान रखें। तो आपके साथ इस तरीके से चीट का काम हो सकता है, मैं इसीलिए डाल रहा हूँ, अगर आपकी गाड़ी में ऐसे पीछे जैसा आवाज़ आती है ना, स्विफ्ट डिज़ायर की वीडियो है ये देख लो आप, अगर इस तरीके की कोई भी आवाज़ आ रही है आपकी गाड़ी में, घट घट तेज़ जैसे अपन दचकों में चलाते हैं जब में चलाते हैं तो पीछे आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा, तो ये भूसे अगर कम आवाज़ आ रही है तो भी समझ लो ये भूसों को चेक करवाना है बस। तो अभी इसकी कॉस्ट भी बता दूंगा मैं आपको, क्या कॉस्ट पड़ेगी इसकी टोटल। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ठुकवाएंगे, देखो प्रेस मशीन पर ठुकेगी, ये प्रेस पर जाएगी ये पूरी हिस्सा और फिर ये ठुकेगी इससे। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी अगर आप इस पर लापरवाही करोगे तो एक चीज़ और बताओ, देखो ये हिस्सा इसका टूट सकता है, ये बिल्कुल पोला आता है ये नहीं आता, ठोस नहीं आता, ये पोला चीज़ आती है
अगर अपन ज़्यादा इसको ख़त्म भूसों पर चलाएंगे तो ये टूट जाता है कई बार, ज़्यादा तेज जैसे धचके में कूद जाती है ना गाड़ी तो बीच में से या साइड में से कहीं से भी टूट जाता है, या फिर इसमें बैंड आ जाता है जो ज़िंदगी भर अलाइनमेंट आउट हो जाता है गाड़ी का, तो फिर बाद में ये पूरा हिस्सा डालना पड़ता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। देखो ये भूस, तो फिलहाल तो अभी रुको भूसा आ जाती है, फिर मैं दिखा देता हूँ और वो डालवा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये भूसा आ चुकी हैं, कितने की बताइए भूसा, तो इस पर आप ही देखते हैं एम आर पी इस पर 1690 रुपये की, पर ये इतने की नहीं आएंगी, ये कम की आएंगी दोस्तों, एम आर पी पर नहीं है ये, कम की आएंगी। अभी हम पार्ट्स वाले पूछेंगे कितने की बताएगा जो भी है। तो ये देखिए ये भूसे ये डलेगी सिर्फ, और आपकी गाड़ी में सारी बीमारी ख़त्म, पीछे से जंप लेने की, आवाज़ करने की, या सस्पेंशन की कोई प्रॉब्लम हो जाए ना भाई जैसे वाइब्रेट करने की, वो सब प्रॉब्लम इससे ख़त्म होती हैं। तो पहले ये चेक करानी है, बाद में कोई बोले शोकर ख़त्म है, स्प्रिंग ख़त्म है, तो बाद में मानना है, पहले ये चीज़ चेक करानी है। तो चलो लगवा देते हैं इसको प्रेस। देखिए दोस्तों इस तरीके से प्रेस से ठुकती है, हाथ से नहीं ठुकवानी इसको, इस तरीके से प्रेस से ठुकती है, रास्ते नहीं ठुकती हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये नई बूस लगवा दी है, ये देखिए पूरा कंप्लीट कर दिया है इसको, ऊपर ऊपर टांग दिया, सब कुछ कंप्लीट है। अब ये देखिए नई बूस लगा दी है, सारा काम कंप्लीट है, अब इसे सिर्फ ये टायर लगा के कंप्लीट करना बाकी, और कोई काम नहीं है इसमें। तो ये वीडियो दोस्तों देखो मैंने वीडियो क्यों बनाई है, देखिए इसका व्हील निकाल दिया था लड़के ने, जबकि व्हील को निकालने की जरूरत नहीं होती, पीछे से बोल्ट खोल के इसे पूरे को निकाल देते, नीचे कर देते, बस अभी ये लगाना बाकी है और कोई काम बाकी नहीं है इसमें। अब इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या दोस्तों, अब इसमें ना तो पीछे से कोई आवाज़ आएगी। और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देखो दोस्तों, इस ही प्रॉब्लम की वजह से, जैसे ये बूस है ना, ये ज़रूरी है बताना देखो किन किन चीज़ों, यानी इस बूस से क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इनको ज़रूर चेक करानी है, डायरेक्ट मैकेनिक के ले जाके यूँ नहीं कहना है सर पीछे से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, हमारी गाड़ी टायर खा रही है पीछे से, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे तो वो स्प्रिंग भी चेंज कर देगा, शोकर भी चेंज कर देगा, सारा चेंज कर देगा, उसके बाद में बेयरिंग वगैरह सब चेंज कर देगा, फिर उसके बाद में बोलेगा आपसे सर ये लीजिए आपकी गाड़ी ठीक हो गई पूरी घुस वगैरह सब कंप्लीट डालकर। तो दोस्तों मैं इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए वीडियो डालता हूँ। देखो आप लोगों के पहली बात तो इसी ही बूस से मैं बता दूं प्रॉब्लम क्या क्या आएगी, एक तो वॉइस पैदा होगा गाड़ी में बैक साइड में, एक पिछला अलाइनमेंट आउट हो जाएगा और गाड़ी टायर खाने लग जाएगी बहुत तेज़ी से, यानी पीछे के टायरों को, यानी जैसे अलाइनमेंट आउट होता है जो पीछे का टायर किनोर में से दबाने लग जाती टायर खाने लग जाती गाड़ी, वो भी प्रॉब्लम आएगी इससे अलाइनमेंट आउट हो जाएगा मतलब की। और पीछे जब अपन जैसे मान लो वाइब्रेटर जैसे ब्रेक आते हैं जो वाइब्रेटर एक साथ बहुत सारे ब्रेकर आते हैं उस पर जब भी चलेंगे ना अपन तो गाड़ी पीछे से कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी जंप करेगी और आवाज़ करेगी यानी बहुत ज़्यादा, ये सारी प्रॉब्लम इस बूस से आती हैं। अब अगर आप सिर्फ ये बूसे डलवा लोगे ना दोनों तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म। और एक आप अगर पूरा शोकर डलवाओगे, स्प्रिंग डलवाओगे, स्प्रिंग के नीचे की कोयल पैड डलवाओगे, बेयरिंग डलवाओगे और ये बूसे भी डलवाओ तो भी ये प्रॉब्लम ख़त्म होएगी, क्योंकि क्या है ये गाड़ी वाले को है ना किसी ने यूँ बताया था भाई पीछे का सस्पेंशन का काम होएगा आपका, मतलब यानी पूरा सस्पेंशन मतलब स्प्रिंग वगैरह ये शोकर वगैरह सब चेंज होएंगे जब जाके टायर खाना बंद करेगी और ये आवाज़ बंद होएगी। जबकि मैंने देखा ना तो मैंने देखने के बाद में मैंने देखा दो भूसे ही ख़त्म है सिर्फ और कुछ नहीं है, कोयल पैड भी इसमें थोड़ी हैवी वाली डाल रखी है तो स्प्रिंग में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, उनका टेम्पर तो बिल्कुल जैसे माल अगर कम भी होगा तो भी वो कोयल पैड कवर कर रही है। तो इसी तरीके से दोस्तों बचने का तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसी तरीके से अपने आप को बचाए रखें और जो फ्रॉड का काम करता है उन मैकेनिकों से बचे रहे। और एक चीज़ और, अब ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब दो तीन कमेंट तो ऐसे आएंगे जो उन लोगों को चिढ़ होएगी थोड़ी सी, शायद वो क्या पता कौन है मैकेनिक है या पार्ट्स वाले आई डोंट नो कौन है, बट वो कुछ ना कुछ गलत कमेंट करेंगे तो मैं उनसे यही कहूँगा भाई आप कितने ही कमेंट करो मैं आपको कोई रिप्लाई नहीं दूँगा, इसलिए प्लीज़ अपने आप लोगों को अगर अच्छी नहीं लग रही है वीडियो, क्योंकि मैं तो देखो पब्लिक प्रॉफिट की बनाता रहूँगा, चाहे आप कितने ही कमेंट करो मना करो मैं नहीं मानूँगा, नहीं बंद करूँगा चाहे कुछ भी कर लो, ये आप लोगों के लिए जो मेरे को गलत कमेंट करते हैं ना कि क्यों बनाते हो क्या फ़ायदा है लोगों को क्यों बताते हो, तो भैया मेरा काम बताने का मैं बताऊँगा हर एक हाल में बताऊँगा, तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें और मुझे फालतू कमेंट ना करें ताकि मुझे उन्हें डिलीट करना पड़े बार बार। सो ये पब्लिक प्रॉफिट के लिए जो पब्लिक प्रॉफिट की वीडियो डालता हूँ ना मैं वो पब्लिक के लिए डालता हूँ, आप जैसों के लिए नहीं डालता हूँ। सो दोस्तों चलते हैं वीडियो ख़त्म करते हैं, और इसी गाड़ी पे मुझे एक और वीडियो बनानी है इसलिए,
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि आगे भी ऐसी ही पब्लिक प्रॉफिट की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा जो आप लोगों के फ़ायदे की होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।